ओके, तो मैंने आप लोग को बताना था डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में मैंने बताया जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ को, जो कंट्रोल करता है, वो कौन सा है? हमारे पास पैंक्रियाज है। ठीक है, अब जो हमारे पास पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज एक्चुअली क्या करता है? दो हार्मोन सिक्रीट करता है, मतलब ये सिक्रीशंस करता है। अब सिक्रीशंस कौन कौन सी हैं? एक आपके पास आती है इंसुलिन और एक आपके पास आती है ग्लूकागोन। बेसिकली सिक्रीशंस क्या हैं? ये हमारे पास जो है वो हॉर्मोन्स, हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, और जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो कॉमन सी बात है, जब हमारी बॉडी के अंदर, अब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड लेवल जो है वो ब्लड शुगर लेवल वो ज़्यादा हो गया है, तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या, इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी। जब इंसुलिन सिक्रीट होगी तो ब्लड का जो शुगर लेवल है, जिसको आप BSL कहते हो, वो नॉर्मल हो जाएगा। सेम इज़ द केस, अगर आपके पास बॉडी है और बॉडी के अंदर जो है वो आपका BSL लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो होगा क्या, ग्लूकागोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से होगा क्या, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो अगेन नॉर्मल आ जाएगा। यानी सिर्फ उतना ग्लूकागोन जो है वो सिक्रीट होगा कि जितना वो आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल ले आएगी, और वो ये नॉर्मली 110 होता है या 170 समथिंग होता है, कोई ऐसी इसकी वैल्यू मेरे इस वक्त माइंड से स्किप कर गई है। तो ये हमारे पास, इसको आप क्या कहते हो, ये एक्चुअली में आपकी डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में जो हमारे पास ये इंसुलिन है ना, ये मसला कर जाती है कि उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती है। इसलिए जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ डाइट से कंट्रोल कर लेते हैं, जिनका ज़्यादा मसला ख़राब होता है तो वो इंसुलिन इनटेक करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ डायबिटीज़।